नहीं आज मेरा पांचवा महीना शुरू हो गया ना। अच्छा उस खुशी में क्या सीन है अक्षय की शादी के लिए? बहुत ही पापड़ मिले बेचारे, बहुत ही ज्यादा पापड़, क्योंकि कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा था करना क्या है। झूला रात को झूलना ऐसे मूनलाइट में, मूनलाइट में इट्स वेरी रोमांटिक। अक्षय फीलिंग जेलस। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल शास्त्रस ब्लॉग। मैं यहाँ लेने आई हूँ अपडेट, व्हाट अबाउट माई दाल? ओके कमाक्षी, दाल कैसी बनी है आज की? अरे बढ़िया कमाक्षी, फोकस में नहीं अब है, बहुत अच्छी, बस थोड़ा मसाला कम है दाल में, पापा की वजह से मसाला और नमक दोनों चीज़ें मैंने कम करनी शुरू कर दी हैं। मेरी आँखों में ऐसा लग रहा है मैं कितनी रोई हूँ। कल मैंने स्टोरीज डाली थी इंस्टाग्राम पे कि मतलब मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी कमर में बड़ा दर्द रहता है। अभी भी मैं ऐसे खड़ी हुई ना तो मेरे इस वाले पोर्शन में यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया, तो इसलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ कि व्लॉगिंग करती हूँ। फिर अभी अभी कोविड की वजह से सच कुछ एक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है, सब लॉकडाउन में लॉक हो रखा है। आज लास्ट डे है लॉकडाउन का, अगर एक्सटेंड नहीं होता है लॉकडाउन तो 25th है और आज से मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो रहा है गाइस। सुपर हैप्पी, थैंक यू सो मच, आपकी विशेज आती हैं मुझे। सैम अपना ध्यान रखो, सैम अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, और जो भी मेरे साथ इस जर्नी में है, मतलब जो प्रेगनेंट है मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपकी जर्नी हो जाए। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता, मैंने सुना है, और कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत भारी होती है। मेरे लिए बहुत भारी तो नहीं है, बट मैंने तीसरे महीने से पेन झेलना स्टार्ट कर दिया था, बैक पेन, और जो मेरा ठीक नहीं हो रहा है। एंड सजेशन यही है कि सायमा आप दूध लो, दही लो, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत लो। तो मैं सही बताऊँ, मैं दूध दही लेती हूँ, मैं दिन में 2 ग्लास तो दूध हो जाता है, रात में प्रोटीन के साथ अलग हो जाता है, कैल्शियम टैबलेट अलग है, दही मम्मी देती है, नहीं तो लस्सी बना के दे देती है। मेरा 5th मंथ स्टार्ट है, इस खुशी में मैं खीर बना रही हूँ या शीर बना रही हूँ, जो कि ठंडी खाई जाएगी, तो बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेश मैं बोली हूँ, मैंग फ्रेश हो रहा है, हम सब ने चंपी कराई थी बालों में तो इसलिए, और हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी शूट करनी है। गाइस गेस व्हाट, क्या बनने जा रहा है, क्या बनाने वाली है मम्मी? खाना तो हो चुका है, आमी इतनी सारी आमी। तो मैं कभी तो फ्रेश हो रहा है, मैंने सोचा मैं तैयारी कर लेती हूँ, किस चीज़ की? खीर की। मम्मी को भी नहीं पता मैं खीर ऐसे क्यों बना रही हूँ, बताया आपको? नहीं, नहीं नहीं, आज मेरा 5वां महीना शुरू हो गया ना। अच्छा उस खुशी में। इसको कैसे, नारियल को कैसे बुरादा करूंगी, उस पर कद्दूकस करोगे? यहाँ पे गाइज मैंने अपनी गरी को अच्छे से पीस लिया है ताकि मुंह में ना आए, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। एंड यहाँ पे चावल मैंने भिगाए थे 1 कटोरी, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो पता नहीं, क्या बहुत कम डलते हैं इसमें, और हल्के से भिगा लिए थे। अब इसे मैं करूँगी ग्राइंड, क्योंकि मुझे इसे करना है बारीक, काफ़ी छोटा छोटा। यहाँ मखाने हैं, मखाने एंड ये रहे मेरे ड्राई फ्रूट्स, और इन सबको मुझे रोस्ट करना है देसी घी में ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मखाने, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स में सारे रेडी हैं, चावल पीसूंगी उसके बाद स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पे जो मम्मी ने बनाने जा रही है मेरे लिए लड्डू, उसमें भून लिया है आटे को, गोंद और मखाने। मखाने कमर के दर्द के लिए अच्छे होते हैं, और जलेंगे ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी सारे काजू, और काजू के अलावा किशमिश। और मम्मी ने बोला कमर दर्द के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके मखाने, तो मखाने इसीलिए इतनी सारी क्वांटिटी में, क्योंकि मखाने ज़्यादा डलने वाले हैं। एंड या मम्मी अपने मेरे लिए गोंद के लड्डू बनाएंगी और मैं अपनी खीर बनाऊंगी। तो मैंने ना अभी एक बहुत खूबसूरत सी चेन, गोल्ड की चेन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लुक एट दिस, इट्स ब्यूटिफुल। ये चेन अभी रिसेंट में ली है, आपने एक ब्लॉग में देखा होगा मैं इनके, तो उसने दिखाया था। ब्यूटिफुल लॉन्ग नेकलेस टाइप ऑफ अ चेन, नॉट नेकलेस, इट्स अ गोल्ड चेन एंड इट्स ब्यूटिफुल। लाइक यू नो समटाइम्स मुझे नेकलेसेस नहीं पसंद है, हैवी लगते हैं, तो मैं चेन वगैरह डाल लूँ फैमिलीज में, तो इसलिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी एक चीज़ जिससे कि आप यू नो ऑनलाइन भी गोल्ड ले सकते हैं।
सो गाइज आई होप आपको मेरी गोल्ड किचन बहुत अच्छी लगी होगी। पर्सनली मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको तो पता ही होगा कि अब हम गोल्ड को डिजिटली भी बाय कर सकते हैं। अब स्टॉक्स गोल्ड से गोल्ड खरीदना बहुत ही ईजी है। अब स्टॉक्स गोल्ड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इनके 30 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। अब स्टॉक्स गोल्ड पर आपको 24 कैरेट 99.9% वाला प्योर गोल्ड मिलेगा, जिसे खरीदकर आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि अपस्टॉक्स गोल्ड आपके गोल्ड को 100% सिक्योर वॉल्ट में रखता है। एंड गाइस अपस्टॉक्स गोल्ड पर आप 1 रुपए में भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जैसे कि 5-8% मेकिंग चार्जेस जो ज्वेलर्स लेते हैं वो बच जाता है, बस 3% आपकी GST लगती है। एंड जल्द ही आप अपस्टॉक्स गोल्ड से घर बैठे गोल्ड ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी होम डिलीवरी शुरू होने वाली है। आप कभी भी कहीं से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करो और अपना फ्री में अकाउंट बनाओ। अकाउंट ओपनिंग पे आपको 51 रुपीज का ई गोल्ड भी मिलेगा। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? सिंपल एंड फास्ट फ्री अकाउंट ओपनिंग है अपस्टॉक्स गोल्ड पर। आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके देखो। मैंने तो कर लिया, आगे भी करूंगी, आप भी ट्राई करो। इतना बारीक मैंने करा है चावल को, बहुत ज़्यादा बारीक भी फिर टेस्ट नहीं आता, और बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बारीक करना है। इसे रोस्ट भी करना है मुझे देसी घी में। किसने बनाया? मैंने। बस सच में आज सूरज की साइड से निकला था भाई। मम्मी देख लो, मैं खाना नहीं खाता। ओह इट्स लिपी यम। पापा की फेवरेट है रोस्टेड। मैंने यही लेकर चलता था हैदराबाद से। एक पापा एक सेल एक पापा का जो हम हल्ले में लेकर आते। पापा हमेशा 100 ग्राम ये 100 200 ग्राम लेकर आते थे। हां जब भी जाते थे गढ़वाल। इतने बुरे हैं सबके सब। जय मैं हूं को अक्षय हूं, पापा का नाम नहीं ले सकती। मैंने इतने सारे फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट्स, आधे से ज्यादा फिनिश हो गए। मुझे कच्चे काजू उसमें डालने पड़ रहे हैं। कच्चे डाल रही हो क्या? करो यहां फ्राई ना, आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। मजा आ गया मुझे तो डाइटिंग पे। अच्छा पता नहीं आप पूछो कैसी डाइटिंग है। अच्छी डाइटिंग हुई हो? देखो रेडी फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं हम। घी मैंने गरम कर दिया, पकाना होता है। मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसको भी मैं पकाऊंगी थोड़ी देर और गाढ़ा हो जाने तक। तो बस जैसे ही शीर बन जाती है मैं थोड़ा आराम करूंगी और परसों आ जाएंगी वापस खुशबू दीदी अपने ससुराल से यहाँ पे, क्योंकि 28 की सगाई है अक्षय की, ठीक है। एंड 29 को मेहंदी होगी 29 को मेहंदी होगी घर में ही, नो बाहर के प्रोग्राम्स। एंड 30 को होगी शादी। तो मेरी हिम्मत ख़राब हो गई है, मेरी कमर का दर्द बढ़ रहा है। खैर गाइस हमारी यहाँ पे शीर ऑलमोस्ट तैयार है, देख सकते हो। मखाना, रोस्टेड मखाना, दैट्स इट। और ये काफ़ी थिक होते हैं आपको बता दूँ। अभी ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद और थिक हो जाएगी। यहाँ पर हो गया मेरा काम ख़त्म। मम्मी ने भी लड्डू बनाने शुरू नहीं किए हैं, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और रोस्ट करके रख दिए थे। अब मेरी हिम्मत हो रही है ख़राब, शूट करने का भी दिल नहीं कर रहा। 2:30 बजने वाले हैं, मुझे वीडियो लाइव करनी है तो मैं वही काम करने जा रही हूँ। क्या सीन है अक्षय की शादी के लिए? बहुत ही पापड़ मिले बेचारे, बहुत ही ज़्यादा पापड़, क्योंकि कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा था करना क्या है। लेकिन देखती हूँ अक्षय है कि नहीं है साइड वाले रूम में। है अक्षय, तेरी शादी फिर से कैंसिल हो गई? किसने कहा? कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं है।
मुझे पता है ना ऐसा नहीं हो सकता। इसे पता है ऐसा नहीं हो सकता कि कितनी बार ऐसा होता ना मैं रो देता हूँ तो। इतनी बार कैंसिल हो गई, इतनी बार कैंसिल। मेरा प्यार कहाँ है? पंखा बहुत चल रहा है। मेरा प्यार ये रहा। मेहंदी तो इस बार आप भी लगवाओगे? नहीं मैं क्यों लगाऊंगा? शादी है अक्षय की, मेरा नाम लिखवाना। मेरे को पता नहीं, मैंने सिर्फ मेरा नाम लिखवाना। नाम लिखवा लूंगा वैसे। गाइस दिस इज माय बेली बम बेबी बम प्यारे से बेबी। मैंने अपनी सुबह ही टेबलेट ले ली थी, विटामिन डी वाली, सॉरी कैल्शियम वाली, और अभी मैं अपनी टैबलेट ले रही हूँ। ये कैप्सूल, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये है विटामिन डी के लिए, ये प्राइस D3। हाँ तभी इन सबको खाने के बाद भी मेरी कमर में कोई ऐसा सच असर नहीं पड़ रहा। बड़ा बड़ा मीठा है, बहुत बढ़िया खीर है जो ड्राई फ्रूट डाल के ना बनाते हैं खीर। ले बेटा, यही कहा था माँ जी को, यही कहा था मैंने। कई नीचे मुझे माँ ने 100 रुपये दिए नेक में, उनको बहुत पसंद आई। मैं उनको खीर बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे 101 रुपये दिए शगुन में। 1 लाख के बराबर है। मुझे बहुत सैड न्यूज़ मिली, मेरी एक नोन टू है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया, अभी सुनने में आया, एक्सपायर हो गई हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उनको कोविड नहीं था, लंग इन्फेक्शन था, बट ऑब्वियसली लंग्स में है तो लंग्स आपके हेल्प करते हैं आपके ब्रीदिंग के लिए, तो उनको नहीं मिल पाया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई परसों। एंड फीलिंग सो सैड एंड सो सॉरी कि हमारे सिस्टम बहुत ख़राब हो रखा है इस टाइम पे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिनके पास, जिनको ज़रूरत नहीं उन्होंने तो इकट्ठा कर करके छुपा छुपा के रख लिया, और जिनको ज़रूरत है उनको मिल नहीं पा रहा है। अभी जान की कोई वैल्यू नहीं है, अपना ख्याल खुद रखें अभी प्लीज़, गवर्नमेंट पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिस्टम इतना बेकार है। कांट से एनीथिंग अबाउट इट, बस बहुत है। अभी कब भुने कच्चे पड़े आते यार, चांद दिखाऊं कितना प्यारा निकला, ये कल पूरा गोल हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा भी कम है, पता है अंधेरे में दिख नहीं रहा था। हाँ मैं भी नहीं दिख रही अंधेरे में, वो तो चांद की रोशनी है बस इतनी छत पे। मैंने मीठा मीठा खाया है ना, तो थोड़ा सा वॉक कर लूं, नहीं तो फिर वो पेट में रह जाएगा और वैसे ही कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है। झूला रात को झूलना ऐसे मून लाइट में इट्स वेरी रोमांटिक। अक्षय फीलिंग जेलस। ये व्लॉग दोबारा से कंटिन्यू है, रात को ही अभी बज रहे हैं 11, शाय को मूड स्विंग्स होते हैं, इसे रोना स्टार्ट कर दिया, तो अभी हम ना वैसे इसको हंसाने के लिए मैं इसको करके दिखाता हूं, इसे सिखा रहा था शाय को ये करना, और सीख भी गई 5 सेकंड में। तो मैं शाय को सिखा रहा था कि यहां पे ऐसे यहां नस होती है, उस पर जोर लगाना होता है तो उससे उठती है, और शाय 2 मिनट में सीख भी गई। मैं मजाक दिख रहा, 7 साल में शाय कितनी बोलती रही सिखा दो, अभी मूड स्विंग से पता नहीं कौन सी फाइनेंशियल पावर है, रोते रोते एक साथ ही करना स्टार्ट कर दिया। दिखाओ शाय, दिखा ना हल्का सा, दिल दिखाओ, कंसंट्रेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। नंगू पंगू जल्दी कपड़े पहनो, नंगू पंगू को ले लूंगी मैं। हम जा रहे हैं नीचे फ्लोर पे, आकाश हम लोग कह रहे हैं सुबह सुबह अब लग रहा है शादी का घर हो गया, आकांक्षा दीदी आ गई आज कम जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, शाम तक खुशबू दीदी आएंगी तो हो सकता है नया ब्लॉग स्टार्ट हो, क्योंकि कल फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, परसों 28 है कल 27 है, ये ब्लॉग कब जाएगा नहीं पता, क्योंकि एडिटिंग के लिए बड़े मुश्किल हो रहा है, शाहनवाज आ नहीं पा रहा है, विल ट्राई। सो या I'm going to end this vlog. I hope आपको अच्छा लगा, तो please like, share, subscribe to my channel. Bye, take care. So guys, you can also now easily invest in digital gold through Upstox Gold. Check out the link in the description box to open your free account. And now also get e-gold worth ₹51 on account opening.